जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि बाल वाटिका 3 की लिस्ट कब आएगी, यानी बाल वाटिका की जो एडमिशन लिस्ट आना है, जिसको कि लॉटरी लिस्ट भी बोलते हैं, प्रोविजनल लिस्ट भी बोलते हैं, वो कब आएगी। तो इसी टॉपिक को लेकर के मैं आज आपको बताने वाला हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस जारी किया है और उन्होंने बताया है कि जो KVS का एडमिशन शेड्यूल था और गाइडलाइन था 2024-25 का, उसके अकॉर्डिंग जो है 19 अप्रैल 2024 को लिस्ट जारी किया जाना था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अभी इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डेट को रिवाइज़ किया है, लिस्ट को लेकर के, जो प्रोविजनल लिस्ट और लॉटरी लिस्ट जिसको बोलते हैं उसको लेकर के रिवाइज किया गया है। जो बाल वाटिका 3 का जो प्रोविजनल लिस्ट है वो 19 अप्रैल को ना आ करके अब जो है आएगा 24 अप्रैल 2024 को। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जो है मतलब ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर के इंतजार कर रहे थे बाल वाटिका 3 वाले, तो उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। और इसके ऊपर कोई और नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोग से शेयर करूंगा। फिलहाल में यही अपडेट है कि 19 तारीख के बजाय अब जो है 24 तारीख को लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आपको ऑफिशियल लेटर देखना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेज दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। और नई जानकारी के लिए सीएस टेक्निकल के साथ बने रहें और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे वहां से भी फॉलो करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं और अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास भी पहुँचाए ताकि और सभी पेरेंट्स को भी जो है इसकी जानकारी मिल सके। तो आजकल बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।